अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से तरक्की कर रही है और हमें रोज ही नई अनबिलीवेबल चीजें देखने को मिलती हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद चंद इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। नंबर 7 पे है AR VR लैपटॉप। दोस्तों, ये जो आप लैपटॉप देख रहे हैं, पहली बार देखने से तो ये बिल्कुल नॉर्मल कंप्यूटर पीस लगता है, लेकिन जब आप इसके फीचर्स जानेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि ये लैपटॉप फ्यूचर से आया हो। इस अमेजिंग लैपटॉप को एक अमेरिकन कंपनी जेन स्पेस ने इन्वेंट किया है। ये लैपटॉप AR और वर्चुअल रियलिटी प्रिंसिपल्स पर काम करता है। इसके साथ स्पेशल ग्लासेस होते हैं जो कि यूजर को फ्यूचरिस्टिक फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इन ग्लासेस की मदद से आप लैपटॉप स्क्रीन में से इमेजेस और डायग्राम्स को बाहर निकाल सकते हैं। लैपटॉप पे मौजूद ऑब्जेक्ट की इमेज बिल्कुल 3D शो होगी और इन्हें एक स्पेशल पेन के जरिए मूव भी किया जा सकता है। इस पेन की मदद से आप चीजों को एडिट कर सकते हैं और इन ऑब्जेक्ट्स के मैकेनिज्म को भी इजीली जान सकते हैं। डेवलपर्स के मुताबिक ये लैपटॉप एजुकेशन सेक्टर में रेवोल्यूशनरी साबित होगा। स्टूडेंट्स इसके साथ चीजों को जल्द ही और इंटरेस्ट के साथ लर्न कर पाएंगे। ये इन्वेंशन सच में माइंड ब्लोइंग है। नंबर 6 पे है अल्ट्रोस बैट। दोस्तों, आजकल दुनिया में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट और चीप एनर्जी सोर्सेज पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि माहौल को पॉल्यूटेड होने से बचाया जा सके और इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती हो जाए। दुनिया में अब बिजली पैदा करने के बहुत से तरीके ईजाद हो चुके हैं, लेकिन अल्ट्रोस बैट इन सबसे यूनिक है। ये एक बोइंग एयर टर्बाइन है। ये टर्बाइन आसमान पर 300 मीटर की बुलंदी पर काम करती है। ये इन्वेंशन रियली जीनियस है क्योंकि 300 मीटर की बुलंदी पर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और इसकी वजह से टरबाइन एक फेयर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसे यूज करना भी बेहद आसान है और इसे किसी भी जगह पर इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इस अमेजिंग टरबाइन को एक अमेरिकन कंपनी अल्ट्रोस ने डिजाइन किया है। इस एक टरबाइन से इजीली 12 घरों को बिजली दी जा सकती है। इसके साथ साथ इसके ऊपर वाईफाई हॉटस्पॉट सिस्टम भी लगाया गया है, जिसकी वजह से ये काफी बड़े एरिया को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ये रियली एक अमेजिंग इन्वेंशन है। नंबर 5 पे है फूडम। दोस्तों, दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, लेकिन अब तो ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फूडम रेस्टोरेंट ने सबको पीछे छोड़ दिया है। ये असल में एक रेस्टोरेंट है जो कि रिसेंटली चाइना में ओपन हुआ है। ये रेस्टोरेंट कम्प्लीटली रोबोटिक है। इसमें ना तो कोई शेफ है और ना ही कोई वेटर। आपको जो भी डिश चूज करनी होगी उसे डिस्प्ले पर लगे डिजिटल मेन्यू से चूज कर सकते हैं। इस रेस्टोरेंट में कुक्स की जगह रोबोट्स हैं जो कि खाना तैयार करते हैं और इन्हें सर्व भी मशीन के जरिए किया जाता है। इस जगह टोटल 46 रोबोट्स काम करते हैं। इस रोबोटिक आइडिया ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया कि कोई ऐसी भी जगह है जहां इंसानों की कोई जरूरत नहीं है। इन रोबोट्स को खाना बनाते हुए देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक इन रोबोट्स को ना तो कोई सैलरी देनी पड़ती और ना ही ये कोई थकते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 4 पे है पुल अप सूटकेस। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं और हमें कॉन्स्टेंटली ट्रेवल करना पड़ता है। नॉर्मल सूटकेस में चीजों को एक साथ जोड़ के रखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हर ट्रेवलर ही इस प्रॉब्लम को फेस करता है क्योंकि हर चीज का साइज बिल्कुल डिफरेंट होता है और इन्हें एक सूटकेस में रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक और प्रॉब्लम ये भी है कि अगर सारा सामान रख भी दिया जाए तो फिर किसी एक चीज को निकालने के लिए सारा सामान दोबारा से बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन पुल अप सूटकेस इन तमाम प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन है। इस बैग का डिजाइन ऐसे बनाया गया है कि इसमें आप हर चीज को बिल्कुल तरतीब से रख सकते हैं। इसमें सेपरेट सेक्शंस बनाए गए हैं जिसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें रख सकते हैं। ये कंपार्टमेंट एक हॉरिजॉन्टल कैबिनेट की तरह बैग से बाहर आ जाते हैं और आप इजीली सामान को एडजस्ट कर सकते हैं। इस इनक्रेडिबल बैग को आप $480 में खरीद सकते हैं। नंबर 3 पे है आर्बर लिफ्ट सिस्टम। दोस्तों, आजकल ये होता है कि अगर कोई दरख्त कंस्ट्रक्शन साइट पर लगा हो तो उसे काट कर वहाँ पर बिल्डिंग तामीर की जाती है। इसी वजह से दुनिया से कम होते जा रहे हैं और इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता जा रहा है। एक्सपर्ट्स इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने का मशवरा देते हैं, लेकिन टेक कंपनीज ने इसका भी एक टेक्निकल सॉल्यूशन निकाल लिया है। आर्बर लिफ्ट एक ट्री मूविंग सिस्टम है जिसकी मदद से कोई भी दरख्त काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सिस्टम की मदद से
बड़े से बड़े दरख्त को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दरख्त को मट्टी और जड़ों समेत जमीन से बाहर निकाल लिया जाता है। आर्बर लिफ्ट की मदद से 11 मीटर की दरख्त के साथ की मट्टी को लिफ्ट किया जा सकता है। इस प्रोसेस के लिए दरख्त के नीचे फैब्रिक बैग्स रखे जाते हैं, जो कि एक प्लेटफॉर्म की मदद से दरख्त को जमीन से बाहर निकाल लेते हैं। इन बैग्स में एयर फिल की जाती है, जिसकी मदद से दरख्त जमीन से ऊपर उड़ जाता है। लिफ्ट करने के बाद इन फैब्रिक बैग्स की मदद से दरख्त को रोल करके कहीं भी लेके जाया जा सकता है। ये सिस्टम वाकई अमेजिंग है। नंबर टू पे है इंटरसेप्टर। दोस्तों, ओशन क्लीनअप एक ऐसी कंपनी है जो कि दुनिया भर में अपने जबरदस्त प्रोजेक्ट्स की वजह से काफी मशहूर है। इन्होंने ऐसे फ्लोटिंग स्टेशन डेवलप किए हैं जो कि समंदर की सरफेस से कचरा उठा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि वाटर पॉल्यूशन से ना सिर्फ इंसान की जिंदगी तबाह हो रही है, बल्कि जानवरों की जिंदगी भी इससे सख्त मुतासिर हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक समंदर में कचरा कभी भी डायरेक्ट नहीं जाता, बल्कि ये रिवर्स से होते हुए समंदर के पानी में दाखिल होता है। सी वाटर में 80% गार्बेज रिवर्स के जरिए पहुंचता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, एस्टीमेट के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 3 बिलियन टन कचरा दरियाओं से होते हुए समंदर में दाखिल होता है। इंटरसेप्टर एक ऐसा फ्लोटिंग शिप है जो कि कचरे को समंदर में दाखिल होने से पहले ही दरियाओं में साफ कर देता है। इस क्लीनिंग प्रोसेस के अंदर दरिया के बीच में बैरियर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। दरिया में फ्लोट करता हुआ गार्बेज इन बैरियर्स के जरिए रुक जाता है। इन बैरियर्स में कन्वेयर बेल्ट लगे होते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली इस गार्बेज को इस शिप पर लोड कर देते हैं। ये इंटरसेप्टर्स मलेशिया और इंडोनेशिया में भी काम कर रहे हैं और इनका रिजल्ट रियली इंप्रेसिव है। नंबर वन पे है फ्लेक्स स्टेप। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर बिल्डिंग और पब्लिक प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर डिसेबल पर्सन के लिए ऐसी स्लोस बनाई जाती हैं जिनसे वो व्हीलचेयर लेकर जा सके, लेकिन फिर भी ये काम आसान नहीं है। माजूर लोगों को इन पर चढ़ने के लिए बहुत ही फोर्स लगानी पड़ती है और कई दफा इनमें इतनी हिम्मत होती ही नहीं है कि ये इस पर व्हीलचेयर को चढ़ा सके, लेकिन फ्लेक्स स्टेप की मदद से ये प्रॉब्लम एक मिनट में सॉल्व हो जाएगी। ये असल में एक लिफ्ट है जो कि इजीली व्हीलचेयर को ऊपर लेकर जाती है। इस डिजाइन की मदद से डिसेबल पर्सन विदाउट किसी एफर्ट के इजीली ऊपर चढ़ सकेंगे। इनको सिर्फ बटन प्रेस करना है और व्हीलचेयर को सिर्फ फर्स्ट स्टेप पर लेकर आना है और ये लिफ्ट इनको ऊपर ले जाएगी। ये प्रोसेस बिल्कुल सेफ है। सबसे अलग बात ये है कि अगर डिसेबल पर्सन को इसकी नीड ना हो तो इसको नॉर्मल स्टेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये इन्वेंशन सच में हेल्पिंग है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।